असलमकुम जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग तो व्लॉग शुरू हो रहा है जी सुबह सुबह से मुझसे इस वक्त जा रहा है स्कूल तो यहाँ पे जो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे वो भी डाले हुए हैं तो शेड की वजह से ना यहाँ पे ही रात को पड़े रहते हैं तो बारिश यहाँ पे आती नहीं है तो चलिए मैं मुर्तजा को छोड़ने के लिए ना नीचे आई थी क्योंकि पहले जब काली जाती थी ना रीबा तो डोर्स ओपन कर देती थी अभी डोर्स क्लोज़ होते हैं इस वक्त तो मैं ना फिर खोलने के लिए ही आई थी क्योंकि मुर्तजा का हाथ तो जहरी बात है जाता नहीं है लोग तक तो इसलिए ना मुझे आना पड़ा उसके साथ यहाँ पे हम लोग इसलिए पहले आ गए थे कि उनके फिर जो मुर्तजा के वैन वाले अंकल हैं तो वो रुकते नहीं हैं आते साथ ही फ़ौरन से एक भी बजाते हैं और अगर हम लोग ना देखें तो चले जाते हैं तो इसलिए ना मैं नीचे आ गई थी मुर्तजा के साथ मैंने कहा यहाँ पर रुक के वेट करते हैं और आज सुबह सुबह ना ऐसा मौसम लग रहा है जैसे कि अभी बारिश हुई के हुई तो इतने ज़्यादा बादल आए हुए हैं ना इतना प्यारा लग रहा था और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ तो सुबह सुबह इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या ही बताऊँ काफ़ी महीनों के बाद ना अब सुनने को मिली है ये आवाज़ें तो सुबह उठने का भी ना अपना ही मज़ा है वैसे चलिए जी यहाँ पे एक पार्सल आया था मेरा तो ये इतना हैवी पार्सल है बड़ा है तो अब आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं अब कौन सी चीज़ मंगवा के बैठ गई है तो असल में ना ये मैंने मंगवाया था जो रूम कूलर होता है ना प्लास्टिक का तो बोस कंपनी का मैंने मंगवाया है क्योंकि इतने ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं ना यहाँ पे अपर पोर्शन में ना रहना कोई आसान काम नहीं होता इतनी शदीद ऊपर वाले पोर्शन में गर्मी होती है कि बस जिस कमरे में हम लोग बैठते हैं ना वहाँ का एसी चलता है तो वो कमरा ठीक रहता है और सारा दिन अगर कमरे में से निकल के बाहर आओ तो टी वी में आते साथ ही इतना हब्स मुँह पे पड़ता है ना हालाँकि हमारा घर सारा खुला खुला है लेकिन फिर भी ना बड़ी गर्माइश और बड़ा हब्स होता है तो मैंने ये कूलर इसलिए मंगवाया था कि चलो कभी कभार ये भी चला के फिर इंसान बैठ जाता है वरना एसी के साथ तो इतना ज़्यादा बिल आ रहा है ना आजकल तो बस हो गई है वैसे हम लोगों की भी तो कल ये ना डिलीवर करके गए थे और अब ना मैं खोल के इसको देखने लगी थी मैंने कहा चलो चेकिंग कर लेती हूँ और ये मैंने ना दराज से ही मंगवाया है मैं मोस्टली चीज़ें ना दराज से ही मंगवाती हूँ मोस्टली क्या बल्कि हर चीज़ ही मैं दराज से मंगवाती हूँ मुझे इजी रहता है एक तो घर में बैठे बिठाए डिलीवरी हो जाती है और फिर ना सेल्स वगैरह जब लगती हैं ना तो बड़ी चीज़ें मैं तब ही मंगवाती हूँ ये अब ना दो तीन दिन पहले आज़ादी सेल लगी हुई थी तो उसी में ही मैंने मंगवाया है उसमें ये तकरीबन मुझे ना औरिजिनल कीमत से दो ढाई हज़ार रुपया सस्ता मिला है तो ट्वेंटी नाइन समथिंग इसकी प्राइस है तो चलिए जी मैं देख रही थी अभी ये जो वो बोटल्स होती है ना जो फ्रीज़ कर लेते हैं बर्फ़ बन जाती है बोटल्स में तो वो वाला है ये मुझा को बड़ा ज़्यादा शौक़ होता है जब घर में कोई नई चीज़ आती है ना तो उसकी ओपनिंग ना यही करता है मेरे साथ उसको खोल के देखेगा उसमें इंटरेस्ट लेता है कि क्या चीज़ मंगवाई है क्या चीज़ हमारे घर में नहीं आई है तो इसको बड़ा ज़्यादा शौक रहता है इन सब चीज़ों का और आप इस वक्त देख ही रहे होंगे कि पसीने के साथ ना हालांकि ये मैं सिर्फ खोलने के लिए बाहर आई थी टीवी लाउंज में वरना मैं ना अंदर कम रूम में ही बैठी हुई थी और टीवी लाउंज में आते साथ इसको बस खोलने खोलने में ही ना तो इतना मुझे पसीना आ गया ना कि बुरा हशर मेरा था पसीना मेरा ना मुसलसल बहता जा रहा था तो बस मैं यही कह रही थी कि चलो इसको एक दफ़ा चेक कर लेना ये ना हो कि इसका टाइम पीरियड गुजर जाए फिर उसके बाद फिर ये वापस भी नहीं होता है तो चलिए ये मुर्जा ना खुद ही देखिए ट्राई करने की कोशिश कर रहा है इसका बस नहीं चलता कि ये सबको पीछे कर दे और ये ना खुद ट्राई करे तो मैं इसको कह रही थी अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला पहले मुझे पानी के लिए देखने दो कि पानी किस जगह पे डलना है तो फिर ना फिर मैंने इसकी बुकलेट पढ़ी जो साथ में आती है अभी ये मैं खोल के देख रही थी ना तो यहाँ पर ये बॉटल्स वगैरह ही बस रखी हुई थी और प्लास्टिक इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था तो इसके रिव्यूज़ भी दरास पे इतने बेस्ट थे ना तो इसकी एयर थ्रो भी काफ़ी अच्छी बताई गई थी रिव्यूज़ में तो मैंने फिर ना इसलिए मंगवा तो लिया वैसे ना रूम कूलर जो दूसरे वाले होते हैं ना लोहे के जो होते हैं तो वो एक दफ़ा हम लोग लेके आए थे लेकिन वो इस्तेमाल हुआ ही नहीं था लेकिन अब तो ये करना ही पड़ेगा जहरी बात है जितनी महंगी बिजली है ना तो उसके हिसाब से ना फिर ऐसी चीज़ें अब इस्तेमाल में आएंगी तो ये इन्वर्टर भी है तो होपफुली कम बिजली खींचेगा अब देखिए कि इसका क्या हिसाब बनता है और मैं ना आपको दिखा रही थी इसकी प्राइस और साथ में ना ये इसके व्हील्स हैं और अब ना पानी भर के हमने देखी पीछे नाली लगाई हुई है पानी वाली तो टेरेस में से ही ना डायरेक्टली मैंने लगा ली थी मैंने कहा चलो भरता रहेगा कूलर और मुर्ज़ा को ना सुकून एक लम्हा भी नहीं आ रहा था तो वो चला के तो सामने खड़ा हो गया है तो कह रहा था इतनी ठंडी हवा आ रही है ना हालांकि इसने इसके पास बैठना कोई नहीं है मुझे ये पता है क्योंकि ये ना एसी में इनको आदत है शुरू से ही कि ये एसी में ही रहते हैं तो बस ना न्यू चीज़ को ट्राई करने के लिए ना ये यहाँ टीवी लाउंज में आया हुआ है तो ये फ़िलहाल ना मैंने रखना भी यहाँ पे ही है क्योंकि इसके बैक साइड पे हवा पड़ेगी तो फिर ही इसकी कूलिंग ठंडी होगी बंद कमरों में तो ये ठीक तरह से वर्क करता नहीं है तो मैं यही कह रही थी अभी फिलहाल चेक करते हैं उसके बाद ना फिर इसके व्हील्स लगाएंगे और ही ही तो चलिए अब मैं आ गई थी बाहर तो टेरेस में ना धूप ढल गई थी मैंने कहा चलो प्लांट्स को पानी दे के आती हूँ रूखे सूखे इतने ड्राई हो जाते हैं ना इस वक्त तक प्लांट्स के बस मैं रोज़ इनको पानी देती हूँ वैसे दो टाइम तो नहीं दे पाती क्योंकि सुबह तो मैं जल्दी उठती नहीं थी पहले और अभी आज कल मैं ही जल्दी उठना शुरू हुई हूँ और सुबह को ना इतनी शदीद नींद आती है ना कि क्या ही बताऊँ आपको जैसे ही बच्चे जाते हैं ना स्कूल तो मेरी भी बस आंखें बंद होने वाली हुई होती हैं तो इनको भेजने के बाद फ़ौर ही मैं फिर सो जाती हूँ तो पानी वगैरह फिर मुझे प्लांट्स को देना याद नहीं रहता और ये जो यहाँ पे बर्तन है ना परिंदों के लिए मैंने रखा हुआ है और ये ना मेरी अम्मी ने ना अपनी डेथ से कुछ देर मतलब कुछ दिन पहले ना रखवाया था उन्होंने ही मुझे कहा था कि यहाँ पे ना परिंदों के लिए भी कोई बर्तन होना चाहिए क्योंकि तब भी ना बड़ी शदीद गर्मी थी तो मेरी अम्मी ने ही कहा था तब से ले कर अब तक ना मैं इस बर्तन को मैंने उठाया नहीं है और ना डेली मैं इसको फिल करती हूँ लाजमी और ये डेली ना सूख भी जाता है पानी या तो बर्ड्स पी लेते हैं या फिर धूप की वजह से सूख जाता है लेकिन मैं डेली इसको फिल करके रखती हूँ और आज ना मौसम अच्छा था हवा अच्छी चल रही थी तो प्लांट्स भी मेरे हिल रहे हैं प्लांट्स के हिलने पे पता चलता है ना कि हवा अच्छी चल रही है तो मैं तो यहाँ पे खड़े होकर इंजॉय कर रही थी मैंने कहा शुक्र है इतनी गर्मी सारा दिन पड़ी है ना तो शुक्र अलहमदिल्ला कि अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है लेकिन अच्छा भी कहाँ भी मैं किचन में जाके ये पैकेटी बना के लाई हूँ तो इतनी गर्मी लगी ना मुझे फिर मैं ले कर तो यहाँ पे आ गई रूम में और आजकल बाहर तो बैठा जाता ही नहीं है तो डाइनिंग टेबल भी हमारी यूज़ में आती ही नहीं है बच्चे बाहर जाके बैठते ही नहीं हैं क्योंकि गर्मी होती है तो वो कहते हैं कि अब हम बाहर जा के गर्मी में बैठे तो फिर मैं भी कहती हूँ कि चलो मैं भी अंदर जाके जा ना वाकई यहाँ पे ना कमरे में ही सुकून है बाकी तो जहाँ भी देख लें शद किस्म की ही गर्मी है तो ये गर्मी पता नहीं कब खत्म होगी कब हमारी जानों को सुकून आएगा और ये मैंने ना अभी बनाई है हनान के एकेडमी से वापस आने पे तो हनान वैसे ना लंच लेके गया हुआ था साथ में तो स्कूल से सीधा एकेडमी जाता है ना तो लंच लेके जाता है लेकिन ना मैं उसके आने तक ना इस वक्त तक तो कोई चीज़ बना के रखती हूँ और फिर बाद में ना हम लोग डिनर करते हैं ये इस तरह ना शाम के वक्त का ही हमारा हो जाता है चाय के साथ चाय तो मैं ही पीती हूँ वैसे चाय के साथ वैसे कोई स्नैक्स वगैरह बना लेते हैं लेकिन ना इस वक्त चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ बच्चे नहीं पीते है और इस वक्त ना मेरा बिल्कुल दिन नहीं चाह रहा कि दोबारा से जाऊँ किचन में और चाय बना के लाऊं मैंने कहा चलो आज यही बस खाते हैं और मुर्ज़ा भी लगा हुआ था और हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे तो ये बस हम सब लोग ना बस इसी रूम तक ही महदूद हैं यहाँ से बाहर हम लोग निकलते नहीं हैं बस सारा दिन या तो किचन किचन से ये कमरा और आजकल टेरेस में भी जाया नहीं जाता तो बस ये दो जगह ही हैं किचन और किचन से कमरा तो बस यहाँ पे ही हम लोग इन दो जगहों पे घूमते रहते हैं तो चलिए जी चाउमीन या स्पेगेटी जो भी कह लें इसको खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैंने ना गोश्त निकाला हुआ था तो इसका कीमा मैंने बनवाना था अब ना मैंने फिर घर में ही मशीन निकाली पहले तो मैं यही कह रही थी जा के जाके ना मार्केट से हनाना आता है एकेडमी से तो मार्केट जाके इसका कीमा बनवा लाऊंगी लेकिन फिर मैंने कहा अब ना मुझसे जाया भी नहीं जा रहा था बस ना इतना ज़्यादा आलस हो जाता है ना इस वक्त तक तो हिम्मत भी जवाब दे जाती है सुबह सुबह को फ़्रेश होता है इंसान लेकिन जैसे ही बस दिन ढलता है ना तो इंसान की भी बस हो जाती है फिर मैंने कहा कि चलो घर में ही ना इसका ना कीमा मैं बना लेती हूँ मशीन में निकाल के लाई ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती बस कभी कभार ईद के जब होते हैं ईद का सीज़न होता है तो तब ही ना ये यूज़ होती है वरना मोस्टली तो बना बनाया कीमा ही हम लोग बाज़ार से ले आते हैं तो अभी भी बस ये था मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ कीमे वाला तो मैंने कहा इसको बना के तो फ़ारी कर दें तो इसका कीमा बना के मैंने रख लिया है थोड़ा सा मैंने ना पका लिया था और बाकी की ना मैं फिर वो कबाब बनाऊंगी कीमे वाले कबाब तो थोड़ा सा बस मैंने रख दिया था और बाकी ना मैंने आज पका लिया है मटर कीमा में बनाने लगी थी पहले मैंने कहा चलो आलू कीमा बनाती हूँ फिर बच्चों ने कहा नहीं आलू कीमा नहीं आप मटर कीमा बना लें तो मैंने कहा अच्छा ये मैं फिर ना वो कीमा मैंने भुनाई उसकी कर ली थी और साथ में मैंने मटर भी डाल दिए थे तो बस ये ना ये आज का हमारा डिनर होगा इसको ना मैंने पकने के लिए रख दिया था और उतनी देर में ना मैंने ना दो दिन हो गए तकरीबन तो ना फ्रिज में निकाल के ना चिकन रखा हुआ था तो ड्रम स्टिक्स थी मेरे पास मैं ना जब भी चिकन लेके आती हूँ ना तो उसकी ना ड्रम स्टिक्स निकाल लेती हूँ तो लेग पीस जो होते हैं ना उसे निकाल के ना लैदा करती जाती हूँ तो फिर किसी दिन ना वो ब्रोस्ट बन जाता है ना उसका वो बच्चे खुश हो खा लेते हैं तो आज भी ना मैंने फिर दही निकाला तो ये दही भी खासा खट्टा हो चुका था तो पहले का ही था ये तो मैंने वो जो मिट्टी का मेरा है ना बर्तन दही जमाने वाला तो उसको खाली किया और सारा इसमें जो मिर्च मसाला था ना तो वो डाल दिया और इसमें मैंने सोया सॉस डाली और साथ में ना चिली सॉस डाली और मसालों में मैंने वही इसमें डाली थी बस मैंने चाट मसाला एक्स्ट्रा डाला था बाकी तो नमक मिर्च और बेसिक वाले ही सारे मसाले डाले थे और अब ना इसको मिक्स करके बस मैंने ये सिंपल वाला मसाला जो है ना तो वही मैं बना रही थी कोई ये स्पेशल वाला नहीं है तो सिंपली जो दही का मसाला होता है ना तो वही मैंने डाला और इसका कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें फिर ज़रदा रंग डाल दिया है तो इसके साथ थोड़ा सा कलर अच्छा बन जाता है ना तो फिर वो ब्रोस्ट देखने में भी अच्छा लगता है उसकी लुकिंग भी ऐसे लगती है जैसे कि बाज़ार वाला हो तो इसे मैं ना फ्राई तो नहीं करूँगी इसमें मैं जिस तरह वो देगची में डाल के ना इकट्ठा गला लेते हैं तो वैसे करूँगी फिलहाल तो मैं ना इसे ना मैरिनेट करके तो फ्रिज में रखने लगी हूँ चिकन को तो ये हम लोग ना फिर कल ही बनाएंगे आज के लिए तो मैंने कीमा बना लिया था तो मैंने कहा चलो ये ना मैरिनेट करके ना पड़ा होगा ना तो कल हनान जब आएगा अकेडमी से तो फिर मेरा माइंड रिलैक्स होगा कि चलो ये चिकन पड़ा हुआ है इसको ही बना लेते हैं साथ में रोटियां बनाएंगे तो कल का तो हमारा हो जाएगा काम आसान तो ये देखिए बस मैं मैरिनेट ही कर रही थी और चिकन को मैरिनेट करने के बाद अपने व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी व्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ खुश रहिए जी आबाद रहिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़